कंगना की टीम ने एक बार फिर तापसी पन्नू पर किया वार। दरअसल आउटसाइडर तापसी पन्नू ने रीसेंट इंटरव्यू में नेपोटिज्म को लेकर कहा था कि उन्हें भी फिल्मों से निकाला गया था, जहां अब यूजर्स का कहना है कि तापसी ने कुछ साल पहले स्टार किड्स को किया था सपोर्ट, जिसकी वजह से अब टीम कंगना रनौत ने किया है उन्हें स्लैम। डालिए उस ट्वीट पर एक नज़र। नेपोटिज्म डिबेट पर अब बॉलीवुड एक्ट्रेस स्वरा भास्कर ने खुलकर की है बात। इस डिबेट में अब सोनम कपूर को सपोर्ट कर उन्होंने ऑडियंस को करारा जवाब देते हुए कहा है कि अगर आउटसाइडर्स को सपोर्ट करना है तो उनकी फिल्में देखो, इनसाइडर्स को दोषी मत ठहराओ। एक्टर सूरज पंचोली को अब लोगों ने किया ट्रोल। सुशांत सिंह राजपूत के एक्स मैनेजर दिशा सालियान से जोड़ा उनका नाम। यूजर्स का मानना है कि दिशा सालियान केस में है सूरज का हाथ। डालिए उन कमेंट्स पर एक नज़र। सिंगर मिका सिंह ने अब टी सीरीज और सोनू निगम के बीच चल रहे ब्लेम गेम पर दी है अपनी राय। उन्होंने गायक सोनू निगम को सलाह देते हुए कहा कि उस इंडस्ट्री के बारे में संभल कर बोलना चाहिए जो हमें सब कुछ देती है। कंगना रनौत अपने फैमिली के साथ कुछ इस तरह बिता रही है अपना वक्त। डालिए इस वीडियो पर नज़र। अली खान एक बार फिर बने ट्रोलर्स का शिकार। उनके इस एक फोटो की वजह से लोग उन्हें कर रहे हैं ट्रोल। आखिर क्या कहना है ट्रोलर्स का, डालिए एक नज़र। एक्ट्रेस भूमिका चावला हुई इमोशनल। सुशांत सिंह राजपूत को याद करते हुए शेयर किया ये पोस्ट। डालिए एक नज़र। मशहूर फिल्म मेकर मिलाप जावेरी ने केआरके को लेकर एक ऐसा वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया है जो कि तेजी से वायरल हो रहा है। उनका कहना है कि केआरके लगातार सुशांत सिंह राजपूत की मौत पर घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। इसमें मनोज बाजपेयी ने भी दिया मिलाप जावेरी का साथ। एक्टर सोनू सूद ने एक बार फिर से बढ़ाया मदद का हाथ। 2200 माइग्रेंट्स को किया गुड बाय। सामने आया ये वीडियो, डालिए एक नज़र। अजय देवगन ने की अपनी अपकमिंग फिल्म मैदान के रिलीज की अनाउंसमेंट। इंडिपेंडेंस वीक के मौके पर रिलीज होगी ये फिल्म। डालिए उस पोस्ट पर एक नज़र।